क्या है? एक माचिस मिलेगी। 14 साल से रोज माचिस मांगते हो, क्या करते हो? कान खुजाता हूं। चौदह साल से एक एक माचिस की तीली में से बारूद निकाल कर इकट्ठा किया है मैंने। लिया है, अब हमारा इनाम कब मिलेगा? तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन सोना मिलने के बाद। चलो। भाई साहब, यहां मंदिर कैसे बन गया? क्या बताएं बाबूजी, चमत्कार हो गया। कुछ बरस पहले यहां साधुओं की एक मंडी आई थी, जिन्हें पेड़ के पास हनुमान जी की एक मूर्ति मिली। हनुमान जी की मूर्ति कहाँ से आई? हनुमान की मूर्ति? आओ। अरे भक्तों, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति कैसे? जब मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई है तो मंदिर बनना चाहिए। हम गांव वाले ने इसे स्थापित करके मंदिर बना दिया। बड़ी श्रद्धा है हम गांव वालों के दिलों में इस मंदिर के लिए। तूफान के हाथों आज इस मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आप भी माथा टेक लीजिए। जय राम जी की। हनुमान जी, मैंने तो पहरेदारी के लिए कहा था, आप तो हुकूमत जमा कर बैठ गए। सिंह जेल से फरार। वाह शर्मा साहब वाह, खुद ने छोड़कर अखबार में फरार छपा दिया। जवाब नहीं आपका। बोतल दे कालिया। सरदार, आप कब रिहा हुए? रिहा नहीं हुए हैं, हम फरार हुए हैं। एक ही तो बात है सरदार, आप खाली हाथ आए या सोना भी साथ लाए? नहीं, जिस जगह हमने उसे गाड़ा था अब वहां एक मंदिर बन चुका है। लगता है शैतान के माल की रक्षा खुद भगवान कर रहा है। हमें बता दीजिए मंदिर का पता, हम तोड़कर ले आते सोना। बेवकूफ, मंदिर तोड़कर सोना निकालना अगर इतना आसान होता तो इस मुल्क के सैकड़ों मंदिरों में अरबों का जो सोना पड़ा है कब तक हमारा होता। यहां के लोग हमें देखकर चूहे बनकर बिल में घुस जाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर साले शेर बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है सोना वैसे का वैसे पड़ा रहेगा? नहीं, उसे तो मैं किसी ना किसी तरकीब से निकाल ही लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे उस डॉक्टर से हिसाब चुकाना है जिसने बेहोशी का इंजेक्शन देकर मुझे पुलिस के हवाले किया। अब आप उस गांव की तरफ ना ही देखे तो अच्छा है। जब से उस तूफान ने जन्म लिया है हम लोगों की नस्ल ही कम हो गई, जी हराम हो गया। तूफान? अरे अब मैं आ गया हूं तो ना कोई आंधी आएगी
और ना ही तूफान। इससे पहले कि मैं तुम्हारे सर पे लगा हुआ इनाम वसूल करूं, दो सवाल। पहला, डाकू सालम सिंह को कहां छुपा रखा है? दूसरा, इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद का खून किसने किया? तेरे पहले सवाल का जवाब। गोपाल, मैं गोपाल कहाँ है? देखो श्याम भाई, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहता था कि मैं अपने दोस्त पर बोझ बनना नहीं चाहता। अगर दोस्ती बोझ है डॉक्टर साहब, तो मैं दुनिया का हर बोझ उठाने के लिए तैयार हूं। बेटा, वो जरूर स्टेशन की तरफ गया होगा। कुछ नहीं होगा माँ। प्रणाम बाबू। जुग जुग जियो बेटी। दिवाली की बधाई हो आप। तुझे भी।
आज गोपाल आ रहा है, वो साल में एक बार आता है, लेकिन आता है तो दिवाली की सारी खुशियां लेकर। अच्छा डॉक्टर साहब, चलता हूं। अच्छा।